कुल्लू के सीनियर अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर को मंडी बार एसोसिएशन का समर्थन मिल गया। मंडी बार एसोसिएशन का कहना है कि कुल्लू पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सीनियर अधिवक्ता को जो जलील करने का प्रयास किया है वो सही नहीं है। मंडी बार एसोसिएशन के प्रधान दिनेश शर्मा ने बताया कि कुल्लू पुलिस की एसएचओ एक सीनियर अधिवक्ता को जलील करती है और उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उनको ही गिरफ्तार कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, जिसका बार एसोसिएशन मंडी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सीनियर अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर को झूठे केस में फंसाने के आरोप में यदि प्रशासन कुल्लू पुलिस एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उनके द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम से मामले में शामिल संबंधित एसएचओ को बर्खास्त करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले कुल्लू में रात केस में एक अधिवक्ता को पुलिस ने नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए रोका था, लेकिन अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना चला है इसलिए बार बार एक ही मशीन का इस्तेमाल ना करें और दूसरी मशीन ले उनका टेस्ट लिया जाए। इस बात पर महिला थाना प्रभारी और अधिवक्ता में विवाद हो गया और बाद में अधिवक्ता को हिरासत में लिया गया। महिला थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में हुई अधिवक्ता की गिरफ्तारी के बाद माहौल गर्मा गया है। हम जो है कुल्लू बार एसोसिएशन की फेवर में स्पोर्ट उनकी स्पोर्ट में हमने कोर्ट से अब्सटेन रखा हुआ है, साथ के साथ हम उनका समर्थन करते हैं। पुलिस वालों ने जो अपना एक डिक्टेटरशिप वाला रवैया अपना रखा है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आईपीसी इन पुलिस वालों के लिए बनी हुई है? हर किसी आदमी को पकड़ें और उन्हें जो है झूठे केसों में इन्वॉल्व कर दें, ये तो हमारे वकील साहब ने अपनी थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड बताई है। उन्होंने गाड़ी की चाबी गायब कर दी, अदरवाइज उन पर उन्होंने एनडीपीएस का केस तक वो दर्ज करने के चक्कर में थे। तो मतलब क्या इतनी फेडरल पावर पुलिस को दे दी गई है भी वो किसी भी वकील को किसी भी आम नागरिक को जो है झूठे केसों में फंसा दें? हम इसका जो है पुरजोर विरोध करते हैं और अब अगर इसके खिलाफ स्टेप ना लिया गया उस एसएचओ के खिलाफ जिसने उसके झूठा कंप्लेंट दर्ज कराई है तो ये रुद्र रूप ले लिया जाएगा। हम रास्ता भी रोक सकते हैं और जो है हम किसी भी हद तक जो है हमारी कम्युनिटी जो है जा सकती है। हम जल्दी जल्द चाहते हैं कि कुल्लू एसपी को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए और उस एसएचओ को झूठा केस दर्ज करने के उसमें सस्पेंड किया जाए।